गोविंद सिंह डोटासरा, उनको सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे दोनों बेटे के मोबाइल लिए और उसके बाद में उन्होंने तत्काल एक वारंट लेकर के आए थे जो मेरे बेटे छोटे बेटे जो अकाउंट्स ऑफिसर है उसके नाम से था, मेरे नाम से नहीं था। उन्होंने कहा आप साइन कीजिए, मैंने कहा मेरे नाम से कोई कागज मैं करूं, जिसके नाम से जो कागज है वो करे, क्योंकि मकान एक ही है, मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, अलग पोर्शन में रहता होगा, लेकिन मैं तैयार हूं कि मेरे पूरे मकान की या जिस किसी की भी आप तलाशी लेना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, जो पूछताछ करना चाहते हैं, गोविंद डोटासरा का पूरा परिवार तैयार है। बहुत ही सभ्य तरीके से सारे अधिकारियों ने मेरे पूरे मकान की एक एक चप्पे चप्पे की, मेरे दोनों बेटों के निवास, मेरा ऑफिस, जो उनको आपको यहां दिखाई दे रहा है, सब चीजों की उन्होंने बारीकी से तलाशी ली। उस तलाशी के बाद में मेरे छोटे बेटे अविनाश के स्टेटमेंट लिए, उनसे कोई जानकारी मांगी, मेरे से ईडी के किसी अधिकारी ने किसी भी बात के ऊपर न तो पूछताछ की न मेरे कोई स्टेटमेंट लिए। मैं समझता हूं कि जो ये वातावरण बनाया जा रहा है, ये वातावरण केवल और केवल इसलिए है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वातावरण ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तैयार किया, दो साल से बड़ी तकलीफ में थे, चाहे वो किराड़ी लाल मीना जी हो, चाहे वो राजेंद्र जी राठौर हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे वो सुभाष मैरिया जी हो, काफी दिनों से हल्ला कर रहे थे, काफी दिनों से ये बात चर्चा में थी कि गोविंद डोटासरा के ईडी की रेड होगी। मैंने कांग्रेस का सच्चा सिपाही, कांग्रेस ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मेरा मान और सम्मान आपने किया, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से, तो डोटासरा को आप सुन रहे थे, ईडी की कार्यवाही खत्म हुई है, डोटासरा के घर से ईडी की टीम रवाना हो गई है और इसी को लेकर ये जानकारी, हालांकि जब ये टीम रवाना हुई उसके बाद अब डोटासरा जो कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए हैं उन लोगों से रूबरू हो रहे थे,